1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बनो। साथ में सम्राट चौधरी है, देखिए किस तरह से हाथ जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए जिस तरह से जेपी नड्डा जिंदाबाद। जो है वो भी कैलाशपति मिश्र जी का ऊपर तस्वीर के ऊपर जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आपको तस्वीर बापू सभागार से दिखा रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्र गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित महिला युवा किसान सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यरत हैं। आप बताइए स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर के महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया? ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुध ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी, हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवा हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगे। मैंने वो भी दिन देखे हैं। देखिए बापू सभागार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी का आगमन जो है वो हो गया। देखिए साथ में जो है वो सम्राट चौधरी हैं, आपको तस्वीरें दिख रहा होगा। बापू सभागार में जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और साथ में सम्राट चौधरी है, देखिए किस तरह से हाथ जो है वो अभिवादन स्वीकार करते हुए जिस तरह से जेपी नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वो साथ साथ सम्राट चौधरी जो है वो पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें साफ साफ दिखा दें किस तरह से, देखिए उनकी जन्म शताब्दी को लेकर के देखिए जेपी नड्डा जो है वो भी कैलाश गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित महिला युवा किसान सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यरत हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मित्रों ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए उज्ज्वला योजना इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया? आप बताइए स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर देकर के महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया? आप बताइए ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास उसका जीता जागता ये रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए।
और इसीलिए स्वागत है, धन्यवाद। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, आप बताइए पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुन ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। इस तरीके की तरीके उसके लिए मैं कहता हूं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी, हम वो लोग हैं और कैलाश मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा। और कहने के लिए कह रहा, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था? उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने। आप बताइए ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान रखें। मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा, मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा है, मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है, मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए वो भी मैंने देखा, मैंने वो भी समय देखा है जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवा हित के से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगे। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों के और अपने घरों में अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो समय देखे। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये बात मैं गौरव के साथ। आप बताइए पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज